गुड मॉर्निंग एवरीवन, पर शायद जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तो शाम हो रही होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू पीपल डूइंग? आई एम डूइंग परफेक्टली फाइन एंड आई होप यू पीपल वुड बी डूइंग गुड एज वेल। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हर हफ्ते वीडियो डालूंगी, बट इस बार एक हफ्ते से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। बट वॉट मेक्स मी रियली हैप्पी इज कि यू पीपल रिमाइंड मी ऑन माई इंस्टाग्राम कि मेरा वीडियो नहीं आया है, तो आई फील अ बिट इम्पोर्टेंट। या सो थैंक यू फॉर ऑल दोज मैसेजेस। बातों बातों में मैं ये बताना भूल गई कि कल या एक दो दिन में हमारे हॉस्टल में इंस्पेक्शन होने वाली है, और नहीं भी होती तो छुट्टी का दिन है, तो मैंने सोचा थोड़ा रूम अरेंज कर लें, और शीट सारे साफ थे तो मैंने सोचा कवर लगा दें। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बट एनीवेज आई सक्सीडेड। अब आप सोचेंगे कि मैंने मास्क और चश्मा क्यों लगा रखा है, क्योंकि मुझे सफाई करनी है और मैं नहीं चाहती कि पिछले बार की तरह मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो। या और बाहर का नज़ारा हम देख सकते हैं, क्या लुभावना है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है, स्नोफॉल नहीं है बट ठंड बहुत ज्यादा है। बाहर का काम खत्म करते ही मैं ब्रश करने चली आई। काफी ज्यादा टाइम हो गया था, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं, आई थिंक 2 घंटे तो लग ही गए होंगे सारे काम में। इतना काम करने के बाद और अब तो जाके वीडियो भी बना लिया है, तो भी माय मॉम डजंट बिलीव मी कि मैं काम करती हूँ। सो दिस इज फॉर हर कि मैं काम करती हूँ। ओके, ब्रश करते करते मैं बस दिमाग में ये सोच रही हूँ कि आज मुझे कितना सारा काम है, मतलब पढ़ाई से लेके बाहर जाने तक का। तो आज थोड़ा मेरा लाइफ इंटरेस्टिंग था, तो मैंने सोचा वीडियो शूट कर लूँ। चलो ये भी देख ही लेते हैं। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, और सबसे पहले मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हाइड्रेशन के लिए एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। वैसे अगर मैं इंडिया में होती तो ऑब्वियसली नेचुरल जो फ्रेश एलोवेरा है वो लगाती। नहीं पता मुझे ये वॉइस ओवर करते करते बहुत हंसी आ रही है, लेकिन कल वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। आई लुक डम, या आई अग्री, बट दैट्स ओके। या हाँ हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी हाइड्रेटिंग जेल लगाएं उसको लॉक करने के लिए मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। टिप, या टिप बाय श्रेया। देखो पूरे वीक मेरे बर्थडे को इंक्लूड करके इतना लेजी बीता है ना, लेकिन मुझे लगा कि चलो यार, मतलब वीडियो बनाना है, थोड़ा सज धज ही लेते हैं। मतलब सज धज तो क्या, बस ऐसे ही। तो फिर नहाना मुझे था, लेकिन इसके बाद भी थोड़ा आपको दिखेगा। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैंने नई लिपस्टिक खरीदी है, मतलब मुझे गिफ्ट मिला है, तो ये था वो। और मैं अब एकदम तैयार हूँ। मेरा मतलब काफ़ी टाइम से मेरा इंडियन अटायर कुछ पहनने का मन कर रहा था, तो मैंने आज यही सूट पहन लिया। कभी कभी तो छुट्टी मिलती है यार, और कभी कभी मन भी करता है। तो आज की मेरी पहली कॉफ़ी है ये। मैं थोड़ी ग्रंपी दिख रही हूँ क्योंकि आज मेरा टाइम नहीं था कॉफ़ी बनाने का, मतलब लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बनाना पड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ी नाराज थी। आई लिटरली हैड नो क्लू कि मैं नाराज होकर इतनी गंदी दिखती हूँ, बट दैट्स ओके। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने गायनेकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है फ्रॉम बेसिक्स, यू नो, एंड आई एम लविंग इट। नॉट मोर देन डर्मा, बट इट इज फैंटास्टिक। देखो मेरा ये मानना है कि किसी भी सब्जेक्ट को एक जो टीचर होता है, प्रोफेसर होता है, वो मतलब उसके हाथ में पूरा होता है कि वो उसको इंटरेस्टिंग बनाए या बोरिंग। बट प्रिप लैडर में जो गायनेकोलॉजी डॉक्टर प्रसन्न विज ने बताया है, वो उन्होंने इतने अच्छे से बताया ना कि क्या, मतलब उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी है। देखो ये पढ़ाई की वीडियो ना काफ़ी लंबी थी, बट मैंने शुरू में जहाँ मैं प्रेजेंटेबल दिख रही हूँ थोड़ी, बस वो लगाया है वीडियो में, वरना तो नहीं पता क्या होता। नो आई डोंट पिक माय नोज और एनीथिंग लाइक दैट, बट स्टिल आई फाउंड इट इन अप्रोप्रिएट। ओके, सो देयर इज अ फैक्ट दैट आवर नॉर्मल यूट्रस वेज अबाउट 60 grams, बट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ द नॉर्मल यूट्रस इट गोज अप टू 1000 grams। और हाँ, और एक बात है,
मुझे कुछ कमेंट आते हैं जैसे कि तुम रिप्लाई नहीं करती हो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे या लाइव पे। देखो मैंने पहले भी बताया यूट्यूब पे जो चैट्स होते हैं ना लाइव पे वो काफ़ी फास्ट जाते हैं यार, तो बहुत सारे मैं चैट्स नहीं पढ़ पाती, और चलो उतना तक तो ठीक है, लेकिन आई विल अनफॉलो यू बिकॉज यू डोंट रिप्लाई मी, तब तो ये बाबा का ढाबा वाली बात हो गई ना, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। देखो मेरा यूट्यूब चलाना या वीडियोस बनाना एक शौक है, मैं यूट्यूब के वीडियो से ऐसा नहीं है कि बहुत करोड़पति हो गई हो या फिर कुछ और। तो ये उन सेलेक्टिव लोगों के लिए है कि देखो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता यार, ये यूट्यूब मेरा बस पास टाइम के लिए है। वैसे भी मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ, बट इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं हर एक मैसेज का रिप्लाई करने बैठ जाऊँ। हाँ तो बस यही बात है, और तुम्हारे अनफॉलो या फॉलो करने से मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब मेरा बस पास टाइम है, जैसा कि मैंने बताया मैं इसे कोई बहुत पैसे नहीं कमा रही हूँ या फिर कुछ। एनीवेज लेट मी जस्ट फॉरगेट अबाउट दोस पीपल एंड लेट्स कंटिन्यू। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, नहीं मैंने सिर्फ एक रोटी नहीं खाई, मैंने और भी ली थी, और उसके बाद मुझे जाना है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिए कोई बर्थडे प्रेजेंट भिजवाया है, मुझे भी वो पता नहीं है कि वो क्या है, बस मुझे लेने जाना है वो, क्योंकि वो आ चुका है। तो चलिए मेरे साथ, बाहर इतनी ज्यादा हवा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, और इतनी ज्यादा चिल्स है। ठंड से ये बात याद आई कि पिछले दिन मैंने स्नोमैन बनाया था, तो ये देखिए मेरा स्नोमैन कुछ इस तरह का था। तो बस ये था, स्नोफॉल नहीं है बट चिल्स बहुत ज्यादा है, और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यही होती है यहाँ पे। और वीडियो लेने के चक्कर में मैं भूल भी गई अपनी टोपी लेने के लिए, टोपी को रशियन लैंग्वेज में सांप का कहते हैं, साउंड्स लाइक सांप। और अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो मैंने क्यू एन ए बनाया था जिसमें मैंने कुछ ट्यूब टॉप टाइप कुछ पहना था, और कुछ लफंगों का कमेंट आया था कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या, तो हाँ मेरे पास कपड़े नहीं है, अगर तुमको भिजवाने हैं तो मैं अपना एड्रेस तुमको कर दूंगी मैसेज, एंड आई विल बी वेरी ग्लैड इफ यू सेंड मी सम। बस अब हम वो दुकान पहुंच ही जाएंगे जहाँ से मुझे वो रिसीव करना है पार्सल। फैक्ट नंबर वन, माई बेस्ट फ्रेंड जस्ट गॉट अ जॉब एंड उसकी पहली सैलरी से उसने मुझे ये प्रेजेंट गिफ्ट किया है, सो दिस इज वेरी स्पेशल टू मी, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कि वो क्या है, मुझे कुछ अंदाजा है लेकिन अभी जाके ही पता चलेगा कि क्या है। आई एम सो एक्साइटेड, अब हम ये अनबॉक्स करेंगे जस्ट इन केस कि सारा कुछ ठीक हो। मुझे समझ तो आ गया कि ये क्या है, बट आपको वो एंड में पता चलेगा कि क्या है, इसीलिए क्योंकि आप टिके रहे वीडियो पे। बस अभी पास में ग्रोसरी स्टोर है, वहां से कुछ खरीद लेंगे जब यहाँ पे आई हैं, तो जो भी कमी है हमारे घर पे। और ये देखो ये जेलीज हैं जो हम बचपन में बहुत शौक से खाया करते थे, बस अभी दूध उठा लेंगे और कुछ भी नहीं लेना, मतलब लेना है ज्यादा कुछ। ये वाटरमेलन जूस मैं गर्मी के टाइम में बहुत पिया करती हूँ, और इसको देख के मैं गर्मी को मिस करने लगी हूँ। हाँ और हमने आज फ्राइज भी खरीदे, और धनिया पत्ता तो मेरे लिए बहुत मस्त है, चाहे कितना भी प्राइस हो, मेरा ज्यादा पैसा खाने में खर्च होता है एंड आई डोंट रिग्रेट इट। पता है क्या पिछले महीने से ये हो रहा है कि जहाँ कुछ भी थोड़ा बहुत इंडियन सामान मिलता था ग्रोसरी का, वो दुकान ही बंद हो जाती थी। पहले हम बासमती राइस और कुछ सीजनिंग खरीदते थे एक दुकान से, तो पता चला वो बंद हो गया, और एक जगह बहुत कुछ इंडियन सोयाबीन टाइप कुछ ऐसा मिलता था अभी थोड़े टाइम पहले, कहते हैं वो बंद हो गया। और यहाँ पे आज हमें बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता दिखा, और मुझे अब ये डर है कि ये दुकान भी ना बंद हो जाए, क्योंकि जो भी कुछ इंडियन सामान मिलता है वो सारा दुकान बंद हो जाता, नहीं पता क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पे तो बस फ्रोजन वेजीज हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत रेयर मिलते हैं तो ठंड के टाइम में,
स्पेशली तो यहाँ पे सारे हैं, तो यहाँ से हम बीन्स और कॉलीफ्लावर ही उठाते हैं हमेशा। आई वंडर कि हम यहाँ पे साग सब्जी में जितने पैसे खर्च करते हैं, अगर इंडिया में उतने करें तो मतलब हमारे साथ दो तीन फैमिली, हमारा जो नेबर होता है ना, तीन चार परिवार, वो भी खा ले। यहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव है। अभी बस हमारा हो ही गया है, अब हम घर पहुँच गए हैं और ये है मेरा उकुलेले जिसे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। कॉशन, आगे आपके कान से खून आ सकता है तो आप अपने रिस्क पे सुने। घर आते ही YouTube पे मैंने बस ये कॉर्ड सीखा है। आई एम टोटली रॉ, मुझे तो प्रोनंसिएशन भी उकुलेले का नहीं आता है, बट आई अश्योर यू कि आने वाले चंद महीनों में मैं अच्छे से सीख जाऊंगी। आई विल वर्क ऑन इट। या थैंक यू। और अगर आपके कान से खून निकला है तो प्लीज ENT के पास जाएं। स्टे वेल। नाउ आई विल बी शोइंग यू ग्लिम्स ऑफ माय बर्थडे ऑन 24th। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए ये केक लाया था और मेरे दो दोस्तों ने मुझे डोनट करवाया था, और मैंने दो इंटरेस्टिंग चीज ली थी। ये है हैरी पॉटर का बर्थी बॉट्स और मैंने एक टॉक्सिक कैंडी लिया था। इट वॉज सुपर्ब। जैसे इंडिया में वो शॉक वाली एक जो च्युइंगम आती थी उससे भी ज्यादा खतरनाक। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, सॉरी अच्छा लगा तो लाइक करें। अगर आप यहाँ पे नए हैं, किसी तरह पहुँच गए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अगर आपने वीडियो बिना स्किप किए पूरी देखी है तो मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। यू इन द नेक्स्ट वीडियो।